मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम चौकड़ी में आए हैं और यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, यहाँ की अच्छी अच्छी प्लेसेस दिखाएंगे। ये मेरे मामा का घर है और हम कल रात में पिथौरागढ़ से यहीं पे रुके थे। उसके बाद हम लोग आज फिर यहाँ चौकड़ी में कौन सी अच्छी जगह है, चाय के बागान और चीज़ें भी, कौन कौन सी चीज़ें हैं करके, फेमस यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। तो मेरी यहाँ पे एक बहन है और एक भाई है, उनके साथ मैं आऊँगा। मैं मामा की लड़की है, उनके साथ भी आपको लेके जाऊँगा चौकड़ी, और उसके बाद वहाँ पे जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके बारे में बताऊँगा। ये देखिए मेरी बहन आ रही है, ये आर्यन, और हम लोग यहाँ से साथ में जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दोस्तों अब ये चढ़ाई हो गई, जहाँ पे चाय के बागान है मैंने बताया था आपको, वहाँ पे हम लोग जाने लगे ऊपर। ये मेरी प्यारी सी बहन है और ये भाई है। हाँ, ये डिब्बा पकड़ा है, इसमें हम लोग काफल, ये जो उत्तराखंड में इस सीज़न का जो फल होता है, फेमस जो फल होता है, उसको भी टीप के लेके आएंगे। काफल का पेड़ होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई थी काफल क्या होता है, कैसा होता है करके, अभी कौन कौन से फल होते हैं करके, उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं फिर पेड़ के पास में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें दिखेंगे, यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस हैं, टूरिस्ट का प्लेस होता है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आते हैं। आपको कुछ टूरिस्ट लोग दिखाते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए उनसे भी मिलवाते हैं, हम दिखाते हैं, बात करते हैं कि नहीं, ये देखते हैं, ये देखिए फोटोग्राफी करें, इनको अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये देखेंगे अभी। दिखाया था यहाँ पे टूरिस्ट का प्लेस भी है, तो यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए अधिकतर लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो चाय के बागान है तो उसके लिए देखिए फोटोग्राफी होती है, देखिए ये हिल की फोटोग्राफी ले रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं जहाँ पे काफल के पेड़ है और बागान है, वहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जंगल चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग काफल के पेड़ ढूंढेंगे। ये देखिए पीछे से आ रहे हैं, सब फोन पे लगे हुए हैं, देखिए ये चढ़ाई चढ़नी है ऊपर। ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर का एरिया आता है, ये थोड़ी दूर ही बागेश्वर लगने लगता है, पर ये इसका डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है पिथौरागढ़ का पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे अच्छे अच्छे बांज के पेड़ दिख रहे होंगे और भी सारे पेड़, और काफल के भी पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, बट इसमें काफल लगे नहीं है, ऊपर दिखाएंगे आपको काफल के पेड़। हेलो, कैसा लग रहा है आपको चढ़ाई चढ़ के? इसने तो कंठी भी पकड़ी है, ये बर्तन पकड़ा है इसमें काफल। अब देखिए काफल कितने टूटते हैं करके, काफल के पेड़ में कितने काफल होते हैं करके, उसके बाद देखेंगे। जंगल है ये, यहाँ पे कस्तूरी मृग और क्या कहते हैं भालू और शेर और क्या कहते हैं इंदुआ, इंदुआ सब पाए जाते हैं। देखेंगे ऊपर जाते हुए रास्ते में आपको दिखेंगे सब, अगर दिख गए तो आपको दिखा देंगे, नहीं तो दिखेंगे नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं जानवर, क्योंकि दिन के टाइम में बाहर नहीं निकलते हैं, बहुत कम ही, जैसे कि हिरन। देखिए ऐसे जंगल हैं यहाँ पे, हमारे भाई नीचे ही रह गए हों, आ रहे होंगे हम दोनों, अभी तो तीन ही है, एक और आने वाली है बंदर, वो भी साथ में चलेगी। और देखिए काफल के पेड़, ये देखिए बांस का पेड़ होता है, इसको बोलते हैं जंगल की शान बोलते हैं, ये समूह गांव के एग्जाम में आपके आ सकता है, जंगल की शान होती है बांस का पेड़। और ये बहुत औषधि वाली चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी, ये देखिए पेड़ कितना सुंदर है दोस्तों, डरावना एकदम पेड़ दिख रहा है, ये रात में इसको दिखेंगे। यहाँ पे हमें एक पेड़ दिखाया, यहाँ से सब कुछ दिखेगा आर पार, यहाँ से ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखेंगे। ये हमारी छोटी सिस्टर है, ये चढ़ रही है पेड़ पे, फिर उसके बाद मैं भी चढ़ के दिखाऊँगा आपको, ठीक है? तो देखिए पेड़ में चढ़ गए हम लोग, यहाँ से नज़ारा दिखाएंगे आपको, ये देखिए ऊंचे ऊंचे पर्वत दिख रहे हैं, यहाँ से बादल छाए हुए हैं। की कोशिश कर रही है, नीचे जा रही है, ये अटक गई है सुतली, ये देखिए कूदने जा रही है, कूदेगी नहीं, कूदना मत है, गिर जाओगी, लग जाएगी चोट। आप दिख गए हमको ये, यहाँ पे पीने वाला, यहाँ पे कुछ लिखा है, यह भूमि सरोवर जमवान इसने, इन्होंने बनवाया था, दान सिंह इन्होंने बनवाया था, और ये कब बनाया था इनके बारे में लिखा है। और यहाँ पे देखिए तालाब मिल गया, इसको पानी वाला, पीने पीने वाला पानी हो सकता है, जो जंगल में आते हैं ऐसे पानी को पी सकते हैं, गाय बच्चों के लिए पीने के लिए बनाया है।
ये पानी रुक जाता है, जो बरसात का पानी होता है ये पानी भर रही है। ये पीने बाद में हम इसको पी सकते हैं, बाद में ये पीने वाला पानी बन सकता है हमारे लिए। और यहाँ से हम नीचे थोड़ा जाएंगे, यहाँ से देखेंगे, आपको दिखाएंगे, आपके नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पे काफल के पेड़ भी दिखेंगे आपको दोस्तों। ये सिमार जैसा बना है दोस्तों, यहाँ पे सिमार, ये डूबने वाला होता है, ये दलदल इसको बोलते हैं, जिसको सिमार बोला जाता है पहाड़ी भाषा में। आपको नीचे जाकर दिखाएंगे हम दोस्तों। यहाँ पे एक लवर पॉइंट मिल गया है, यहाँ सुसाइड पॉइंट भी बोलते हैं इसको, यहाँ से सुसाइड करते हैं ये। देखिए देखिए काफल का पेड़ भी है यहाँ पे। नीचे देख के नीचे जाइयो मत, गिर जाओगी। यहाँ से देखिए कितना, ये गांव है, कौन सा गांव है भाई? लोहाथल। लोहाथल गांव है, यहाँ हरकार की गांव है, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा, नीचे मत जाओ ज़्यादा। यहाँ पे देखिए हम बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, ये हम नीचे आ रहे हैं। यहाँ से नीचे देखने पे देखिए आपको दिखाऊंगा मैं, बहुत गहरा है, यहाँ गिरने के संभव। हो गया। क्या पकड़ा है, नीचे कूद जाएगी, कहीं नीचे सुसाइड कर देंगे उसकी वजह से। काफल देखिए, काफल लगे हुए, काफल तोड़ दिए मैंने, इसकी चोटी पकड़ी कहीं नीचे ना गिर जाए करके, उसके बाद डालूंगा ना काफल तोड़ने के लिए। वहां से तो हमने तोड़ दिए, अब देखेंगे यहाँ पे खोज, अभी इतने से हुए, अब देखें घर जाते हुए कितने बचते हैं करके। ये पेड़ में चढ़ रही थी, मैंने इसको रोका, मैंने कहा नीचे ढेर है कहीं टूट जाएगी करके, नीचे गिर जाएगी करके। मैंने इसकी चोटी पकड़ी थी, इसके कपड़े पकड़े थे, नहीं तो ये गिर जाती नीचे। और यहाँ पे हम लोगों को स्रोत का पानी मिल गया है, स्रोत के बारे में मैंने पहले भी वीडियो में बताई आपको, यहाँ पे कैसे उपलब्ध होता है करके। और ये मेरे भाई आ रहे हैं, ये देखिए ये चलते चलते इसको थकान हो चुकी है। हम लोग का हम जंगल की खोज में निकले हैं यहाँ पे, आइए काफल के पेड़ में चढ़े हैं, देखते हैं काफल है भी कि नहीं है। यहाँ पे बहुत काफल लगे हुए हैं, देखिए ये तोड़ रहा है, ये मैं खा रहा हूँ, ये खा भी रहा है, ये अंग्रेज की औलाद। ये अंग्रेज मेरी शक्ल के दिखा रहे होगा, यूट्यूब पे आई होगी। और ये बोलिए चैनल को सब्सक्राइब और क्या कहते हैं बेल आइकन दबाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें करके, आपके अगली बार आपका भी वीडियो हो सकता है। नीचे तो देख, ये देखो पेड़ पे चढ़ रहा है, ये मंगलू है, ये जंगलों का यहाँ पे अच्छी तरह से जंगलों को अच्छी तरह से पहचानता है, कैसे पेड़ पे कैसे चढ़ा जाता है करके, ये उसके बारे में। अभी काफल को तोड़ेगा, पके हुए तो ऐसे टूट जाएंगे, देखिए काफल ये तोड़ दिए और डिब्बे में भर दिए, टहनी तोड़ के ऊपर से दी जा रही है। उसके बाद देखिए कितने अच्छे काफल है, और हमारे काफल अभी इतने ही हुए हैं, घर जाते हुए एक डिब्बा हो सकता है हमारा, हम थोड़ी सी और मेहनत करें तो। और ये जोंक भी लग रहे हैं, देखिए जोंक निकाल रहे, पैर पे लग गया है, ये चिपक जाता है, खून को खाने लगता है। और देखिए उनके पैर पे भी लग चुका है, जल्दी उनके पैर पे भी लग चुका है। अब यहाँ से निकलना होगा दोस्तों, नहीं तो वहाँ पे हम लोगों को जुग खा जाएंगे, और काफल तो काफल बात में जुग, उनको जुग लगे हैं, देखो पेड़ में भी जुग लग रहे हैं, यहाँ पे जोंक बोलते हैं जिसको। यहाँ से ये इधर वाला हिस्सा जो आता है पिथौरागढ़ वाला आता है, ये पिथौरागढ़ वाला आता है, और ये वाला हिस्सा जो आता है बागेश्वर वाला आता है, ठीक है। तो ये जाली है, यहाँ से बाउंड्री बनी है, और स्कोट वाली जो जगह है जहाँ कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। अब हम यहाँ बागेश्वर से काफल तोड़ेंगे, अभी तक तो पिथौरागढ़ से काफल तोड़ रहे थे। उसके बाद देखिए जंगल कितने मस्त हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा काफल का पेड़ ढूंढते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए पेड़ पड़े हैं, यहाँ पे पेड़, यहाँ से ये बांस की पेड़ है, जिससे बांस लकड़ी और क्या कहते हैं यंत्र यंत्र बनाए जाते हैं, इनसे बहुत सारे चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अब बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग काफल तोड़ेंगे, ये बागेश्वर वाला डिस्ट्रिक्ट आता है दोस्तों, देखेंगे। तो ये देखिए चाय की पत्तियाँ हैं, ये जिससे चाय उपलब्ध होती है, ये क्या कहते हैं पिथौरागढ़ साइड और बागेश्वर साइड में बहुत होते हैं चाय के बागान, ये देख रहे होंगे आप, ये छोटे छोटे बागान हैं, ये अभी छोटे छोटे हैं, अभी और ज़्यादा आपको चाय के बागान दिखाएंगे हम यहाँ पे,
ये देखिए यहाँ पे घर भी बने हैं थोड़े कुछ रुकने के लिए, जो चाय में खेतियाँ करते हैं, चाय के बागानों में खेतियाँ करते हैं उनके लिए रहने के लिए घर भी होते हैं। हम आपको चाय के बागान यहाँ पे दिखाएंगे, बड़े बड़े दिखाएंगे यहाँ पे बहुत घनी आबादी में। ये दोस्तों देखिए चाय के बागान, ये इसमें चाय उपलब्ध होती है और ये पत्तियाँ जब सूख जाती है इसमें फल आता है उसको निकाल के चाय के लिए बनाया जाता है। वो देखिए दोस्तों यहाँ नीचे देख रहे होंगे आप, छोटे 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 पत्तियाँ हैं, चाय की पत्तियाँ हैं। देखेंगे यहाँ पे भेड़ बकरी भी चराने के लिए लोग आए हैं। ये देखिए भेड़, पहाड़ों में ऐसी भेड़ें पाई जाती है देखिए। और यहाँ पे बकरियाँ देखेंगे इतनी सारी, इतने बाल सारी मैचिंग सुसु। ये देखिए सब मेरे पीछे आने लगे, भेड़ भेड़ बकरियाँ। और उसके बाद देखिए ऐसी भेड़ होती है और इसी से ऊन भी बनाया जाता है, ये जो भेड़ होती है इसी का ऊन बनाया जाता है। देखिए इसी को निकाल के ऊन बनाया जाता है। ये भेड़ चढ़ाने के लिए आए हैं।